तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करना चाहूंगा आप लोगों के साथ पांचों राज्यों में हुए चुनाव की, जिसमें बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हार चुकी है। बीजेपी ने इन पांचों राज्यों में से किसी एक भी राज्य में अपनी सरकार नहीं बना पाई है। इन पांचों राज्यों में से जिन तीन राज्यों में उसकी सरकार थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य भी उसने गंवा चुके हैं। इन राज्यों में से दो राज्य, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और वो अपने दम पर सरकार बना लेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 114 सीटें मिली है, जो कि बहुमत के आंकड़े से 2 सीटें कम है, और बीजेपी को 109 सीटें मिली है, और बीएसपी को 2 सीटें मिली है, और एसपी को 1 सीटें मिली है, और 4 अदर्स को मिली है। अब कांग्रेस को मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 2 सीटों की जरूरत थी, क्योंकि 114 सीटें तो उसके पास थी ही, और 116 का बहुमत का आंकड़ा होता है। दोस्तों, अब बीएसपी ने 2 सीटें जो जीती है, उससे मायावती जी ने यह फैसला किया है कि वो कांग्रेस को समर्थन देगी, और अब उनके पास हो गई है 116 सीटें। और अखिलेश यादव ने भी जो 1 सीट जीती है, उन्होंने भी फैसला किया है कि वो कांग्रेस को समर्थन देंगे, और लगभग 4 अन्य उन्होंने भी कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। अब दोस्तों, वीडियो में मेन बात, अब मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीएसपी के परफॉर्मेंस को लेके। तो दोस्तों, हम सबसे पहला जो राज्य यहाँ पे लेंगे बीएसपी के परफॉर्मेंस को लेके, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी जी का और मायावती जी का गठबंधन हुआ था, जिसमें इन दोनों के गठबंधन ने जीती है कुल 7 सीटें, जिसमें से 5 सीटें जीती है अजीत जोगी जी की पार्टी ने और 2 सीटें जीती है बीएसपी ने। मैं इन दोनों पार्टी का आपको वोट शेयर भी बता देता हूँ कितना कितना रहा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का वोट शेयर यहाँ पर रहा है, जो कि अजीत जोगी जी की पार्टी है, वो रहा है 7.6%, और उन्होंने कुल 5 सीटें जीती है। और बीएसपी का जो वोट शेयर रहा है छत्तीसगढ़ में, वो रहा है 3.9%, और उन्होंने कुल वहां पर 2 सीटें जीती है। अब दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि मायावती जी का और अजीत जोगी का गठबंधन छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कमाल कर पाया, क्या है वही इसके पीछे की वजह। यहाँ तक कि उनकी रैलियों में भी काफी भीड़ आती थी, यहाँ तक कि मैंने खुद उनकी रैलियां देखी है छत्तीसगढ़ में, काफी भीड़ आती थी और काफी ज्यादा समर्थन मिल रहा था, जो कि वहां का आदिवासी वोट है और एससी वोट है, वो काफी ज्यादा समर्थन दिखा रहा था। लेकिन वो भीड़ वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाई, इसका क्या कारण रहा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बीएसपी की परफॉर्मेंस को लेकर अगला जो राज्य है, वो है राजस्थान। तो दोस्तों, राजस्थान में बीएसपी ने जीती है कुल 6 सीटें, जो कि पहले से ज्यादा है और पहले से अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। अगर राजस्थान में वोट परसेंटेज की बात की जाए, तो बीएसपी को मिले हैं कुल 4% के वोट, यानी कि 4.0% वोट मिला है बीएसपी को कुल राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां पे बीएसपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पहले के मुकाबले, और वोट परसेंटेज पाया है 4% और 6 सीटें जीती है, तो बहुत अच्छा माना जाएगा इसको। दोस्तों, अब बात करते हैं इन पांचों राज्यों में जो सबसे बड़ा राज्य था, वो था मध्य प्रदेश, जहां पे बीएसपी की परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे। लेकिन आप उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबा दीजिए, और बाजू में एक बेल आइकन होगा, उसे भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बीएसपी ने जीती है कुल 2 सीटें, लेकिन दोस्तों, उनकी ये 2 सीटें भी बीजेपी को हराने के लिए बहुत काम आई है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर जीत पाई थी केवल 114 सीटें, और उसे बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए 2 सीटों की जरूरत थी। तो मायावती जी ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया था, और अखिलेश यादव ने भी समर्थन दे दिया था, और जो 4 अदर है, यानी अन्य है, उन्होंने भी लगभग समर्थन दे दिया था। तो इस तरह से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश में। दोस्तों, अब मैं आप लोगों से बीएसपी की परफॉर्मेंस की बात करूं, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में बीएसपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि इससे पहले 2013 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के पास थी कुल 4 सीटें और 6.5% का वोट परसेंटेज था बीएसपी के पास। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में बीएसपी कुल आ गई है 2 सीटों पर, और उसका वोट परसेंटेज भी घट गया है। अब मध्य प्रदेश में कुल वोट परसेंटेज रहा है बीएसपी का, वो रहा है सिर्फ 5%, यानी कि करीब करीब 1.5% वोट परसेंटेज बीएसपी का घट गया है मध्य प्रदेश में, और 2 सीटें भी घट गई है। दोस्तों, ये जो 1.5% वोट कटा है बीएसपी का, मुझे ऐसा लगता है कि ये टोटल 1.5% वोट सीधा सीधा कांग्रेस को ट्रांसफर हो गया हो, क्योंकि इस बार लोग शिवराज सरकार से काफी नाराज थे, और वो लोग चाहते थे कि इस प्रदेश में कोई नई सरकार आए। मुझे ऐसा लगता है कि बीएसपी का एक धड़ा सीधा सीधा वोट के रूप में कांग्रेस को ट्रांसफर हो गया है। बीएसपी का एक धड़ा कांग्रेस को ट्रांसफर होने से शायद यही वजह रही कि कांग्रेस एक अच्छा परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश में दे पाई। अब दोस्तों, अगला कारण ये भी हो सकता है बीएसपी की कम सीटें और वोट परसेंटेज गिरने का, उनका मध्य प्रदेश में संगठन, शायद एक मजबूत संगठन उनका मध्य प्रदेश में नहीं था, और ना ही कुछ ऐसे पदाधिकारी थे जो कि लोगों को अपनी तरफ झुका पाए, और यह भी एक कारण हो सकता है बीएसपी का वोट परसेंटेज घटने का। दोस्तों, जो अगला कारण हो सकता है बीएसपी के वोट परसेंटेज घटने का, वो ये कि उनका कैंडिडेटों का चयन, यानी कि उनका प्रत्याशी का चयन जो उन्होंने चुने हैं, करीब 52% प्रत्याशी ऐसे थे बीएसपी के जो कि अमीर थे
और वह कैटराइज प्रत्याशी नहीं थे और उनका पहले भी शायद बीएसपी से कोई संबंध नहीं रहा होगा। दोस्तों, ये मेरी नजर में 3-4 कारण थे कि ये कारण हो सकते हैं बीएसपी का वोट परसेंटेज कम होना और सीटें घटने का। दोस्तों, ये मेरी समीक्षा थी, मैं ये कारण मानता हूँ बीएसपी के खराब प्रदर्शन का मध्य प्रदेश में। और दोस्तों, आपको क्या लगता है बीएसपी के खराब प्रदर्शन का मध्य प्रदेश में, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या उसका कारण बहुजन समाज का वोट स्प्लिट होना है या फिर कोई और कारण है या फिर संगठन का कमजोर होना, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगे मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। इस वीडियो को लाइक है मैं 30 लाइक्स, प्लीज 30 लाइक पूरे कर देना, इससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ जाता है अगली वीडियो बनाने के लिए। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे ही एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है और उसके बाजू में नोटिफिकेशन बेल का आइकन है, उसे प्रेस करके हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बन जाइए, आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।